प्यार दिल में जगा, धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके ना फिर दूर जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट गैराजेस पे मैं आज खड़ा हूं। गाना सुन के आपको थोड़ा सा तो अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस हस्ती की, किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। आई एम हेयर एट मिस्टर वारिस बेग्स गैराज, इज हाउस, एंड ही हैज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कलेक्शन ऑफ कार्स। यहाँ पे आपको जर्मन, अमेरिकन, जापनीज, बहुत सारी गाड़ियों की वैरायटी मिलेगी। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल गैराज। जिस मोमेंट का आप सबको इंतज़ार था और मुझे पर्सनली भी इंतज़ार था, वो आ चुकी है। हमारे पास इस खूबसूरत गैराज के एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट आ गए हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगा वारिस भाई को। क्या नाम है? जबरदस्त, वेलकम टू गेयर वारिस भाई। क्या थैंक यू वेरी मच, आपको भी वेलकम मेरे घर में। जजाकल्ला। और ये अंदर देख के हम तो एकदम बिल्कुल सरप्राइज रह गए। इतनी ज़बरदस्त कार कलेक्शन हमने सुना तो था, लेकिन अभी अभी ये एक नई कलेक्शन में जो है वो एडिशन हुई है, और वो इस खूबसूरत रेंज रोवर। वो थोड़ी देर के लिए, ये तो बेटे को दे दी मैंने, अभी अपनी मंगवा रहा हूँ। 21 मॉडल है वो। 21 मॉडल थी? हाँ जी। क्या बात है, वो तो एक और ही लीग है। फिर आपको बुला लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। रोज सुबह उठ के, ये कितना मुश्किल सवाल है और कितना मुश्किल डिलेमा जिसे आप गुजरते होंगे कि यार आज कौन सी गाड़ी, क्या मूड है और किस गाड़ी पे जाऊँ। ऑनेस्टली मैं एक ही गाड़ी चलाता हूँ, मेरी वो खड़ी है अपना ZX, ये कभी कभी लेके जाता हूँ। ये ज़्यादा मतलब कि आप टोयोटा फैन? मैं टोयोटा फैन, मैंने सारी गाड़ियाँ रखी जी। अपना 86 में ट्रायल एम थी मेरे पास। अच्छा, वो लाहौर में थी नहीं किसी के पास। ज़बरदस्त, सारा कुछ लेके, सारा कुछ करके आप सुकून में आ गए। अब वो बेटा चलाता है, मरूफ ज़्यादा ये चलाता है, या अमार चलाता है। ज़बरदस्त, तो आपका बल्कि बेटा भी अमार जो है उसने आप ही की क्या कहते हैं टैलेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ही इज अ सिंगर नाउ। हाँ जी। तो वो आपको कैसी फील आती है और क्या फीडबैक देते हैं आप उसको? आई फील वेरी प्राउड। और रिसेंटली इसकी एल्बम रिलीज हुई है जोगिया, और उसने ऑलमोस्ट 3 मिलियन व्यू किए हैं। ओ जबरदस्त, मतलब कि टैलेंट है। आप बल्कि मैं चाहूँगा कि जरूर आप एंड पे उस गाने को जरूर दिखाइए। आई मेड दैट वीडियो इन LA, लॉस एंजलस। 3 वीडियो बनाए उसके लॉस एंजलस में, और वो एक पंजाबी और 2 उर्दू हैं। क्या बात है, मुझे बहुत ही खुशी हुई है जान के कि आपकी वो जो जनरेशन है वो आगे आपकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रही है। आपका तो नाम जो है वो हर कोई, और आपके गाने एक एरा था और एरा है आपके गानों का। अभी भी जब वो हम सुनते हैं तो वो एकदम हर किसी के मुंह पे आ जाते हैं। और अब हम चलते हैं, ये तो बात हो गई, देखिए स्टारस्ट्रक हो जाता बंदा। तो अभी तो इनके स्टारडम की बात हो गई, लेकिन हम इनके गैराज के बारे में बात करना चाहेंगे। यार ये क्या खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। ये 5.2 है, 5.0 सुपर चार्जर्स है। और रेंज रोवर ये बहुत कम है पाकिस्तान में। रेंज रोवर पे कैसे शिफ्ट हो? देखे आपकी टोयोटा रिलायबल तरीन दुनिया की गाड़ी है। हाँ जी। उसके बाद रेंज रोवर का डिसीजन इज अ बिग स्टेप। इट्स नॉट अ बिग स्टेप, मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, लेकिन अब जो आ रही है 21 में, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो 100 से भी बाहर हैं जी। और वो बड़ी टॉप ऑफ द लाइन है, अभी बुक कराई है मैंने, देखिए इंशाल्लाह वो पाकिस्तान आ जाएगी। जबरदस्त। ये आपके छोटे बेटे की के बड़े बेटे की? ये है तो सबकी, लेकिन चलाता ज्यादा छोटा बेटा है। वो उस पे जैसे होता है स्टार स्टक होता है, वो रेंज रोवर स्टक हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन डेप्थ चलते हैं वारिस भाई, बाकी गाड़ियों पे भी नजर हम डालना चाहेंगे, आपकी कलेक्शन पे। आइए आइए। वाह वाह वाह, सामने खड़ी है 530D 5 सीरीज F10 जनरेशन। ये आप चलाते हैं? ये भी चलाता हूँ कभी कभी, कभी कभार जब कभी ज़रा बगाड़ी जाती है। मेरी जो गाड़ी है ना वो बड़ी, वो क्या कहते हैं जिसको कहते हैं ना, सदमे वाली गाड़ियाँ कभी कभी चलती हैं। सदमा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाना हो तो कैंट में रहते हैं हम, तो कैंट से बाहर जाना होता नहीं मुश्किल जी। बच्चों के दोस्त भी सारे इधर ही पास ही हैं, कैंट में ही रहते हैं,
तो हमारी गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, कम चलती हैं, इतनी कम चलती हैं कि कोई बिलीव नहीं कर सकता। अच्छा, जितनी साफ सुथरी गाड़ियाँ रखी गैराजेस तो हम बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन इतनी साफ, और ये वाइट कलर से क्या आपका खास मोहब्बत है? वाइट वैसे वाइस कलर है बहुत ज़्यादा, तो मुझे मोहब्बत है। मैंने पहले बहुत गाड़ी रखी, ब्लैक रखी। लाहौर का मौसम ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर ब्लैक में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा, और उसको साफ ही करते हैं। तो ये सारा काम मेरा कुछ नहीं है, इसमें सारा मरूफ करता है, इसको शौक है गाड़ियों में, एक समटाइम गाड़ी में सो भी जाता है ना करें। मतलब कि ये तो मुझे लग रहा है कि मेरी कैटेगरी के दे हैं जिनको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक। इसको गाड़ी लेके दी मैंने तो इस गाड़ी में सो गया जी, मैं स्पोर्ट्स कार थी इसके पास, जबरदस्त। हम इसको ढूंढते थे तो गाड़ी में सोया हुआ था, जबरदस्त। ये बस ऐसे बच्चों को शौक है। तो आप मुझे बताएं कि सिंगिंग के अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं? मतलब ये कलेक्शन पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं आते। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, आई बाय प्रॉपर्टी एंड सेल प्रॉपर्टी। जबरदस्त। और सिंगिंग तो मैंने 15-20 साल से भी कोई गाना गाया ही नहीं है, पुराने गाने सुनते हैं। आप यकीन करें फिर भी ये फील नहीं होता। अभी मैंने एंट्री से पहले हमारे व्यूअर्स ने मेरा गाना भी सुना, मैंने आपके गाने की थोड़ी सी कोशिश की थी। अब मैं ऑफिशियली जो है ना गेयर अप विद हमजा पाशा, सिंगिंग विद हमजा पाशा के साथ शुरू। जरूर 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 करना चाहिए, बच्चे जो अच्छे गाने वाले हैं, परफॉर्मर अच्छे हो तो तुम्हें करना चाहिए। ये तो अच्छा काम कर रहे हो यंग जनरेशन के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये गेयर अप अच्छा नाम है और अच्छा शो चल रहा है आपका जी। थैंक यू सो मच, और आपको बड़ी मुबारक हो, यू डूइंग वेरी वेल। जज़ाकअल्लाह। कमिंग फ्रॉम अ सुपरस्टार हिमसेल्फ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे पता तुमने पूरा घर में घूमना है, मुझे मैंने तो घूमना, मैं कोई गाड़ी नहीं छोड़ूंगा आज। अनारिस भाई वाइट के बाद एकदम था करते हुए रेड कलर आया और उसने पूरे जोन ही बदल दिया। क्या रेड जो है ना वाइट, ये वाइट में अच्छी नहीं लगती, नहीं अच्छी लगती, ये लगती रेड में अच्छी है। या लंदन में जाऊँ तो ग्रे रखी हुई है मेरे दोस्तों ने, ग्रे ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये रेड में अच्छी लगती है। अच्छा। इसको जब आप इसकी कन्वर्टेबल है, इसको जब छत उतारते हैं और ज़्यादा अच्छी लगती है। आप बताएं आपने कभी चलाई है ये? मैंने बहुत चलाई है, वाकई बहुत चलाता हूँ। क्या बात, कभी कभी जब अच्छा होता है ना मूड हवा लेने का या फिर अच्छा मौसम हो तो भी इसको छत उतार। अच्छा वारिस भाई, कन्वर्टेबल रखना इज अनदर वाइब, अनदर लाइफ स्टाइल। यस दैट्स राइट। तो वो उसके लिए एक स्पेशल जोन होता है जिसमें कभी आप आते हैं, आप कहते हैं यार छत खोलो मैं ज़रा राइड पे जाना चाहता हूँ। स्पेशली मेरी वाइफ कहती है कि आज इस पे चलते हैं। रियली उसको अच्छा लगता है छत खोल के। जबरदस्त, बड़ा आप ओपन फील करते हैं। लेकिन ज़्यादा भाई नहीं जाता, कैंट में घूमता हूँ ज़्यादा। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हेड टर्नर है दो के, इससे बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ आपके पास इस वक्त गैराज में खड़ी हैं, लेकिन इसकी फील तो अभी दो और है, वाइफ लेगी हुई है दूसरी, वो आपको अभी दिखाई नहीं, बोलना वो भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, वो कौन सी है? मेरी वाइफ की पसंदीदा क्रोल है। अच्छा, वो मेरी पसंदीदा सबसे सख्त गाड़ी है वो, उसको कुछ होते ही नहीं है। हाँ, उसको कुछ होते ही नहीं है। और इसके बारे में बताएं कि ये आपने चूज कैसे की और इसकी क्या पीछे हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक दोस्त है वो लेके आए, ये गाड़ी ले लें आप जी, ये मेरे पीछे पड़ गया मरूफ, मैंने लेनी, मैं ले लो घर के लिए ले ली बस ली। ये उसको कोई ऐसे बड़ी रेयर गाड़ी है, और ये है ही एक दो है पाकिस्तान में, शायद एक दो ज़्यादा नहीं है। थैंक यू सो मच। अब हम आपके साहिबजादे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि असल में इन गाड़ियों को अपने बेबी की तरह रखते हैं, और उनसे हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द न्यू बेबी इन द हाउस जो कि रेंज रोवर है। बेबी कहा है मैंने, लेकिन वो 5000 जीसी दहूश है। यस, थैंक यू सो मच बीइंग अ पार्ट ऑफ गेयरअप। हमारे पास मौजूद हैं वारिस बेग साहब के साहबजादे, मारूफ वारिस। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, जबरदस्त। वेलकम टू गियर अप। और रेंज रोवर के बारे में जानने के लिए वही बंदा हमें चाहिए जो कि इस गाड़ी को रोज एज अ डेली ड्रिवन कार यूज करता है। मारूफ भाई, पहले तो ये बताएं कि ये गाड़ी कितनी देर पहले ली है? ये मुझे हो गया तकरीबन 2 महीने हो गया इसको लिए। 2 महीने मतलब कि अभी तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। और इसका कलर कॉम्बिनेशन है, यूजुअली आपको रेंज रोवर L405 जो इसकी जनरेशन है जो कि 2013 से आई थिंक 2021 के आसपास तक जी बिल्कुल, फिर नया मॉडल है अभी बिल्कुल, तो उसमें आपको ये ग्रिल जो है वो स्टैंडर्ड नहीं मिलती, तो ये आई थिंक मेड टू ऑर्डर। जी सर, इसकी बेसिकली दिस इज़ लाइक ये पूरी गाड़ी जो है ये बाहर से ही जब इम्पोर्ट होके आई थी, तो इसको सारी किट्स वगैरह जो ये पूरे लाहौर में पाकिस्तान में 2-3 गाड़ियाँ जिनको ये किट लग के आई है, वरना ये बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी आती है।
इसकी जो फ्रंट बम्पर्स है सारे, साइड वगैरह और पीछे का जो है सारा कुछ है, इसका वो मैं देख रहा हूँ। रेंज रोवर वैसे ही एक बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट एसयूवी है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा जो है वो कमाल और ज़बरदस्त लुक दे रही है। कलर कॉम्बिनेशन में गाड़ी की लीग ही जो है ना वो रेंज रोवर की लीग भी एक अलग लेवल पे ले गई है। ब्लैक एंड वाइट द मोस्ट यूनिवर्सल कंट्रास्ट, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द ब्लैक एंड वाइट। बिल्कुल, और इसके अंदर जो साइड इसकी है वो साइड स्कर्ट्स वगैरह वो भी शुरू से आए हुए हैं। जी जी, सब कुछ इसका मैंने, इसको कुछ नहीं ऐसी ये इंपोर्ट ही ऐसी थी बेसिकली। आपके पास इससे पहले पोर्शा थी? जी मेरे पास पोर्शा थी। कायान और उसके और इसके अंदर क्या कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये सेम जनरेशन सेम एरा। देयर इज नो कंपैरिजन, दिस इज 5.0। पहली बात तो ये पाकिस्तान में 5.0 बहुत थोड़ी गाड़ी है जी, और ये 5 और 10 इसकी हॉर्स पावर है, 510 हॉर्स पावर, मतलब ये भला इट्स ए ह्यूज कार। एंड ये 0 to 60 4.7 सेकंड्स में इसका इतना बड़ा दहूश। हाँ, और ये बहुत तेज जा रहा है, इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, गाड़ी की ड्राइव है, आई लव इट। मैं इसको रोज चलाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ मैं इसी पे जाता हूँ। इस गाड़ी में एयर सस्पेंशन है, वो अभी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, आराम से गाड़ी अपने हिसाब से तकरीबन 1 फीट ये ऊपर आ जाती है और नीचे भी और नीचे चली जाती है डिपेंडिंग ऑन द टेरेन। बिल्कुल, अपने व्यूअर्स को मैं ये बताता चाहूँ राइड हाइट से क्या फर्क पड़ता है। जितनी राइड हाइट नीचे होती है गाड़ी हमेशा उतनी स्टेबल होती है, तो गाड़ियों में एयर सस्पेंशन की ऑप्शन इसलिए दी जाती है क्योंकि उसकी सस्पेंशन जब एडजस्ट होती है, अगर आपने टफ टेरेन पे जाना है, मतलब कि पहाड़ी इलाकों पे जाना है, पत्थरों पे जाना है, रेत पे जाना है, तो उस गाड़ी की हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने हाईवे पे ट्रैवल करना है, क्रूज़ करना है, तो उसकी हाइट डिफरेंट नीचे होगी ताकि आपको हायर स्पीड पे ज़्यादा स्टेबिलिटी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो पहले बताइए चॉइस किसकी थी, ये वाइल्ड बाइक की थी, आपकी थी? चॉइस गाड़ियों की मैं करता हूं, गाड़ियों की चॉइस मैं खुद करता हूं। मैंने सुना है फैमिली में सबसे टची आप हैं गाड़ियों के मामले में। सारी गाड़ियों की चॉइस मैं ही करता हूँ, फिर ये लोग ले लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने सुना है कि मेंटेनेंस वगैरह आप बड़े दिल से करते हैं। मेंटेनेंस भी धोता भी मैं खुद हूँ गाड़ियाँ अपनी सारी, ना यार, लड़कों के साथ। जी जबरदस्त मेंटेनेंस, मैंने अपना घर में प्रॉपर मैकेनिक रखा हुआ है जो मेरी सारी गाड़ियों की मेंटेनेंस वो करता है। मैं इनको कंपनी में नहीं बेचता, मैं इसकी सारी खुद मेंटेनेंस करता हूँ। पार्ट्स वगैरह चाहिए होते तो हम लोग बाइक से मंगवा लेते हैं। जबरदस्त, तो हर चीज़ हम लोग इसकी खुद करते हैं, कोई भी गाड़ी हो। ये है ट्रू कार लवर। सिर्फ ये नहीं है कि आप जस्ट पे फॉर द कार, इन्जॉय किया, यूज़ की, जो असल में लोग गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं उनकी ज़िंदगी, वो गाड़ी को एक डिफरेंट तरीके से लेते हैं। और ये उनमें से ही मारूफ भाई एक है, मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि आपका कनेक्शन जो है दैट इज़ ट्रू टू योर कार। बिल्कुल बिल्कुल। आए मारूफ भाई के साथ हम इस गाड़ी के इंटीरियर पर नज़र मारते हैं, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एंड क्लासी इंटीरियर एट द सेम टाइम। आ जाए, जी तो हम जाने लगे हैं ड्राइव पे मारूफ भाई के साथ, और आपको मैं इंटीरियर के बारे में क्या ही फील बताऊं। जो रेंज रोवर का शशका और रेपुटेशन है, ये उसका नाम जो है वो वाकई सही है, क्योंकि द सीट कंफर्ट इज़ अमेजिंग। क्या बात है, पीछे से मेरा मसाज शुरू हो चुका है इस वक्त। मैंने कहा सर्दी बहुत है, आपकी सर्दी भी दूर करें सर। इस गाड़ी में आ रही है हीटेड सीट्स एंड कूल सीट्स। आपको गर्मियों में तो पाकिस्तान में मारूफ भाई, अभी तो आपने इसको गर्मियों में चलाया नहीं, बहुत ज़रूरत पड़ती है सर, मेरी पिछली गाड़ी में भी थी। आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी। एग्जैक्टली, ये जो स्पेशली कूलिंग सीट्स है वो गर्मियों में, क्योंकि पाकिस्तान में 7 से 8 महीने जो है वो आपको हीटेड सीट्स की ज़रूरत पड़ती, कूलिंग कूल सीट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है मेरी बैक को उस वक्त, मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, सिर्फ फील करके बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा मसाज हो रहा है पूरी कमर का। और द इंटीरियर फील ऑफ अ रेंज रोवर, सस्पेंशन इज़ वेरी सॉफ्ट। बिल्कुल ऐसी ही है, सस्पेंशन बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। इधर आपको पता है सड़कें वगैरह हमारी, वैसे तो लाहौर की माशाल्लाह बड़ी फिट सड़कें हैं जी, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है। बाकी कंपैरिजन करें आप सिटीज़ के साथ तो, लेकिन इसमें फीलिंग ही नहीं आती है आपको। और इसके सन शेड्स की मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने ये अभी तक मैंने नहीं देखा कि दो सन वाइजर्स हैं, एक लेफ़्ट पे जाता है और एक सामने आ जाता है कि अगर सूरज है तो बार बार आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है वो ड्राइविंग के दौरान ना करनी पड़े। फ्रंट से भी और साइड से भी, साइड से भी होता है, दिस इज़ वेरी गुड। इस गाड़ी के अंदर आते हैं सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स, जो कि रेंज रोवर में तो होंगे ही, बिल्कुल क्लासी चीज़ है। और इसके अलावा मुझे आप ये बताएं, इसके लॉन्ग रूट का अभी तक एक्सपीरियंस हुआ आपको? जी मैंने चलाई है, यहाँ से सियालकोट गया हूँ मैं इस पे। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त, काफ़ी मतलब जीटी रोड से
मोटरवे से ठीक है, जो सियालकोट जाती है। हाईवे की ड्राइव आपको इसकी कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की एक्सेलरेशन है। दिस डज 0 to 100 इन 4.7 सेकेंड्स। 4.7 जबरदस्त यार। एंड इट्स अ ह्यूज कार, इट्स एसयूवी है, प्रॉपर है, तो उस हिसाब से 510 हॉर्स पावर और आई थिंक स्टॉक, तो भी इसको मैंने ट्यून अप भी करवाना है। बस कर दे यार, बस कर दे, इसमें बहुत ताकत है। इसको मैंने 600 एचपी तक लेके जाना है कम से कम। जबरदस्त, लेकिन इसके लिए सेफ्टी हम अपने व्यूअर्स को बता दें, रोड के ऊपर सेफ्टी शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी। बिल्कुल, और बेल्ट वगैरह हर बंदे को पहननी चाहिए। जी, सीट बेल्ट के बगैर, जो सी मर्जी गाड़ी में, हालांकि इस गाड़ी में इतने एयरबैग्स हैं कि अल्लाह ना करे कुछ हो भी तो आप काफ़ी हद तक सेफ्टी आपकी अच्छी है। एग्जैक्टली, लेकिन बट स्टिल आई थिंक यू शुड, लेकिन अगले की जो जिंदगी है उसको आप खतरे में नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मारूफ, इसके जो गियर है इसका बड़ा मज़ेदार सीन है कि ये ऐसे बटन दबाओ ऊपर आ जाता है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये इसका जो एडजस्टमेंट है ये भी, ये देखिए आप इसको एडजस्ट कर लें जहाँ मर्जी, आप जो भी ट्रेन में हैं तो आप उस पर कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेवल है, आपकी स्मार्ट जो ट्रेन डिटेक्टर है कि गाड़ी रोड देख के अपना सस्पेंशन, बिल्कुल, अभी मैंने इसको ऑटो पे रखा हुआ है क्योंकि आगे होते इधर तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन अगर इसको आप पहाड़ों में भी लेके जाएं, सैंड में लेके जाएं, जो सी पानी में इसको लेके जा सकते हैं, एक लेवल तक ये पानी में भी चली जाती है काफी हद तक। जबरदस्त, स्क्रीन पे आता है कि आप इतनी एक्सटेंड तक इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। आपको एक मैं मजे की बात बताऊँ, रेंज रोवर का एक फन फैक्ट बताऊँ, इसका जो सस्पेंशन है, जो ऑटो पे जब इसकी सस्पेंशन को करते हैं तो 500 टाइम्स इन 1 सेकेंड ये डिटेक्ट करता है, 500th of a second ये आपकी रोड डिटेक्ट करता है, उस लिहाज से कॉन्टीन्यूसली आपकी सस्पेंशन को जो है वो टेरेन के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है कि कितनी सॉफ्ट चाहिए, क्या हाइट चाहिए। तो अंदाज़ा लगाएं यार, इसके अंदर एक नॉर्मल गाड़ी चल रही है और कंप्यूटर कितनी मेहनत से अपना जो है वो सारा कुछ कर रहा है और हमें पता भी नहीं चलता, बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी नहीं है इन चीज़ों का। बिल्कुल सर, ये आप जिनको शौक है उनको पता होता है, ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। एग्जैक्टली, अमार इज अ वेरी गुड सिंगर। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शय अज दम कर दे, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। और गाने देखे तो पता चलता है कि द लेगेसी ऑफ वारिस भाई इज इन वेरी सेफ हैंड्स। थैंक यू सो मच, जबरदस्त। तो ये गाड़ी पे हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन इस मौसम के अंदर बाहर खड़े होके बात करना थोड़ी ज्यादा नहीं होगी? हां, आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल अनफेयर। आई थिंक वी शुड गो ऑन अ ड्राइव। डेफिनेटली, चलें फिर, लेट्स गो। जी, तो हम जाने लगे हैं राइड पे। सीट बेल्ट पहनने के बाद, जो कि रेड कलर की मैचिंग है एक्सटीरियर से, पहला रूल ये होता है कि छत खोलते हैं, ज़रूरी है, और इस मौसम में तो ज़रूरी खोलते हैं। इस रोड के ऊपर यकीन करें, आई थिंक इससे बेहतर गाड़ी की फील आपको नहीं मिल सकती। या कन्वर्टेबल SLK के अंदर आप बैठे हो तो क्या ही बात है। और मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट फॉर द समर, कन्वर्टेबल गाड़ी कोई भी हो, लोगों को ज़्यादा होता है कि हम समर में इसको निकालें या उसके वाइब के लिए,
आई थिंक इसको आप विंटर टाइम में भी बहुत इंजॉय कर सकते हो। ये गाड़ियाँ बनी ही विंटर टाइम्स के लिए, ठंडे मुल्कों के अंदर यही होता है। एग्जैक्टली, हीटिंग इतनी अच्छी है और इसकी जो एरोडायनामिक्स है गाड़ी की, इस तरह से होती है कि आपके मुंह पे कोई हवा नहीं है, कोई बाल भी नहीं खराब, कुछ ऐसा नहीं। एग्जैक्टली, यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आप इंजॉय भी पूरा कर रहे हैं और आपको ओपन फील भी आ रही है। और इसके हम शीशे कर लेते हैं नीचे, ठीक है, ताकि इसकी जो पिलरलेस विंडोज है उसका मजा आए। और अमार, मुझे आप अपने बारे में बताओ कि सिंगिंग के अंदर आप कब से हो? I've been doing music, Hamza, since I was a kid. तीन साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था। Really? तब मेरे पेरेंट्स को पता लग गया था, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, जिस तरह आप आज डिस्कवर से आए कि इस बच्चे के अंदर स्पार्क है, ये कुछ ना कुछ करेगा। अच्छा, मेरा ये अक्सर लोगों को कहना होता है कि हर बंदे में एवरी पर्सन इज बॉर्न विद अ लेजेंड। हर बंदे के अंदर एक लेजेंड होता है, कोई टैलेंट होता है जरूर। और आप जो दुनिया में लेजेंड्स देखते हैं वो लोग होते हैं जो कि इनर लेजेंड एक्सप्लोर कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह आपका आई थिंक इनर लेजेंड जो है वो अर्ली एज में बाहर आ गया था। आई फील सो ब्लेस्ड। यस, जबरदस्त। सो ब्लेस्ड। तो व्हिच इज योर फेवरेट कार टू ड्राइव एवरी डे? मैं मोस्टली एवरी डे, आपको पता है ये कन्वर्टिबल, यू कांट ड्राइव इट एवरी डे, इसके तरफ इसके साथ प्यार करना पड़ता है, थोड़ी सी थोड़ी थकावी देती है। मेरी डेली ड्राइवर इज BMW 5 सीरीज। मैं ज़्यादातर वो चलाता हूँ काम के लिए, कहीं आना जाना हो तो मीटिंग शीटिंग के लिए। क्या आप भी BMW फैन तो नहीं? मेरी आई लव BMW, आई एम अ ह्यूज BMW फैन। जबरदस्त। बट दिस इज फॉर संडेज, वीकेंड्स और वाइब के लिए, अगर आपने ऐसे निकलना है जस्ट फॉर लिटिल ड्राइव, दिस इज द बेस्ट कार फॉर इट। This is tuned version. Tuned version. और इसके अंदर special एक feature ये clock वाला भी है। सब में नहीं आती ये clock. Analog इसमें clock है। जबरदस्त। Mercedes का एक बड़ा पुराना trend चल रहा है, वो analog clock जरूर देते हैं। बिल्कुल देते हैं। चाहे जितना मर्जी digitalize कर ले सारी चीजों को। तो ये इसको, इस गाड़ी को you know, we've treated like a baby. इसका एक छोटा सा आपको फनी स्टोरी सुनाता हूँ। इसके कुछ रिपेयर का काम हो रहा था, टायर हम ब्रेक्स और वो कैलिपर्स खुद पेंट करते हैं, ज़्यादा शौक से रखते हैं। तो कोई टूल पड़ा हुआ था ऊपर, इसकी छत उतारी हुई थी, छत बंद कर रहे थे, तो मैकेनिक ने गलती से वो टूल ऊपर इसकी कन्वर्टिबल में छोड़ दिया। अच्छा। जिसकी वजह से वो क्रैक हो गया था। Oh, तो आपको मैं बता नहीं सकता, वो दिल पे क्रैक आ गया था बेसिकली, गाड़ी पे नहीं आया था। आई कैन इमेजिन। आई वाज इन द US एट दैट टाइम। तो मैंने बहुत मुश्किल से इसका पार्ट, जो शाफ्ट होता है उसका कन्वर्टिबल का, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा, फिर मैंने वहाँ से इसको यहाँ पे शिप किया, फिर यहाँ पे आके वो इंस्टॉल हुआ। क्या एक बड़ी एक स्टोरी बन गई थी इसके पीछे। तो अगर आप बुरा ना मनाएं, थोड़ी सी कॉफ़ी कुछ कहीं से ले लें। बुरा इस मौसम में इस गाड़ी पे कौन कॉफ़ी बुरा बना सकता है यार? कॉफ़ी बनती है ना? बनती है। ओके, लेट्स हैव कॉफी। अभी हम कॉफ़ी लेते हैं। कॉफ़ी के साथ हम अमार से जोगिया भी सुनेंगे, नई एल्बम का गाना। मैं स्किल देखना चाहता हूँ कि ड्राइविंग के दौरान क्या सिंगर गा सकता है कि नहीं। आप मुझे कभी भी कहीं भी कहेंगे, मैं कहीं भी गा सकता हूँ। ऐसे ही होना चाहिए, आर्टिस्ट हमेशा ऐसे ही होता है। Yeah. अमार ने मुझे बताया इस जगह की कॉफी बहुत अच्छी है। और really फ्लेवर में मैं ट्राई करने लगा। मैं यूजुअली यहीं पे आता हूँ कॉफी के लिए। एंड कॉफी इज हियर। सबसे अच्छी बात है इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। ये आ गई है। और कप होल्डर्स साथ साथ फीचर्स भी बताते जाएं कि SLK में कप होल्डर्स की जगह यहाँ पे है। और अब हम इसको रख देते हैं नीचे। ओके। और अमार का जो नई एल्बम आ रही है जोगिया के नाम से, अब हम जोगिया सुनना चाहेंगे अमार से। तो अमार, व्हेनेवर यू कंफर्टेबल, गो अहेड। आई एम गोना सिंग लाइव। अमार का नया जोगिया आपकी खिदमत में हाजिर है। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शैज दम कर दे। एक जोगिया मेरा कम कर दे, कोई ऐसी शैज दम कर दे, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना, मैनू ढोला याद आवे ना, मैनू माया याद आवे ना। यू
हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस. थैंक यू सो मच. और ये मैंने जो आपका टेस्ट लिया ना आज, मतलब कि आप ड्राइवर भी अच्छे हैं और सिंगर भी अच्छे हैं, मल्टी टास्क काम सेम टाइम पे करना और कॉफी भी पी रहे हो. और कॉफी भी ये पता है किसका ये निशानी होती है, ये एक परफॉर्मर की निशानी होती है. यस, ये सिर्फ एक सिंगर की, एक ड्राइवर की नहीं, क्योंकि दिस इज अ हार्ड थिंग. गाड़ी के ऊपर आपके हमेशा सुर ऊपर नीचे झटकों के साथ जाते हैं, लेकिन यू आर स्पॉट ऑन. ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू एल्बम. अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक जॉनर, इट्स कॉल्ड एफ्रोबीट. उसमें मैंने 3 गाने किए हैं डिफरेंट कलेबरेशन एंड डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ. वो मैं सरप्राइज रखूँगा जब आएंगी बाहर, तो इंशाल्लाह लोगों को तब पता लगेगा. और आपकी नई गाड़ी भी आ रही है मुझे लग रहा है, उस नई वाली गाड़ी में आपके वो वाले गाने सुनूंगा. डेफिनेटली डेफिनेटली इंशाल्लाह. अच्छा, आपने हाईवे पे अभी तक लेके गए इसे? हाईवे पे बहुत दफ़ा इसको मैंने शूट किया था गाना, एक अपना नारायण का गान में, तो मैं इसको वहाँ पे ले गया, ड्राइव करके गए, ड्राइव करके लेके गए थे. और वहाँ पे जब पहुँचे थे ना, तो जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे वहाँ पे कुछ लोग आ गए, गार्ड्स. वो कहते हैं यार आप लोगों की हिम्मत है, आप कैसे ले आ गए गाड़ी? उनको क्या पता कि ये गाड़ी बहुत रिलायबल है. ये बहुत रिलायबल है और लिटरली सफ़र का महसूस ही नहीं हुआ. वो आपको पता है टर्न्स और कर्व्स कितने अच्छे आते हैं. बिल्कुल. तो ये गाड़ी की शॉर्ट व्हील बेस है, तो रोड ग्रिप वगैरह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. और इसके जो रिम्स हैं वो भी आफ्टर मार्केट हैं, बट ओरिजिनल AMG रिम्स. AMG के रिम्स मेरी नज़र पड़ी थी, बहुत ही खूबसूरत रिम्स हैं. बिल्कुल ऐसे. और टायर्स भी, टायर्स गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. बिल्कुल ऐसे ही है. और अब अमार मुझे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सड़क खाली है अगर आप कहें तो. हाँ हाँ, कर लें थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड के अंदर, तो स्पोर्ट्स मोड में डाल के जरा थोड़ा सा होता है. एक हाथ में कॉफी पकड़ के और एक हाथ से गेट टाइम्स. It was a pleasure having you, Omar. और आपकी पूरी फैमिली इज़ वेरी हॉस्पिटेबल, बहुत ज़्यादा उन्होंने ख्याल रखा है. यू गेव अस टाइम, वारिस भाई, मारूफ, आपको आई एम गोइंग टू गिव यू स्पेशल थैंक्स. ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. आपका बहुत ज़्यादा टैलेंट हमने आज देखा जो सिंगिंग का है. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू. एंड दिस इज योर होस्ट हमजा पाशा साइनिंग ऑफ. सी यू नेक्स्ट टाइम ओनली ऑन गियर अप.